सबसे पहले आप दोनों की जोड़ी है जो बहुत प्यारी लग रही है अभी इस समय, और फिल्म में भी और वेब सीरीज में भी उतनी ही प्यारी लगेगी, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? आपकी वेब सीरीज आ रही है पार्ट जुगनू, पार्ट और जुगनू, किस तरह रिस्पॉन्स आ रहा है सबसे पहले आप दोनों? थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट फर्स्टली, और इसी तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं. एंड एज एन एक्टर आपको और क्या चाहिए कि लोग आपके काम को सराहें, उसके बारे में अच्छा कुछ कहें. सो डेफिनेटली बहुत अच्छे कॉमेंट्स आ रहे हैं. अभी तो सिर्फ टीज़र लॉन्च हुआ है, अभी तो ट्रेलर आना बाकी है. बट आई एम रियली होपिंग दैट यू नो इट्स अ फैंटसी ड्रामा, समथिंग दैट यू कैन वॉच विद योर एंटायर फैमिली. हमें तो बहुत मज़ा आया काम करके, सो आई एम होपिंग कि आपको भी आए. यस आपको नहीं आया मज़ा? नहीं नहीं आया, आया मैं मजाक कर रहा हूँ. नहीं, बहुत परेशान किया था मैंने इनको. हाँ, थैंक यू. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सच्ची ही. नो, आई थिंक जो हमारी जोड़ी है, आई थिंक वो, आई थिंक यू विल सी द केमिस्ट्री विद लफू एंड न्यासा एज वेल इन द इन आवर वेब शो फायरफ्लाइज. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिक रिलेशनशिप, एंड आई थिंक वन शुड, द ऑडियंस शुड एक्सपीरियंस इट देमसेल्व्स. देयर इक्वेशन इज वेरी डिफरेंट, सो आई कांट वेट फॉर द ऑडियंस टू एक्चुअली गो एंड वॉच इट ऑन Z5. एंड मैं तो यूनिक हूँ, वो तो पता है. नहीं नहीं, स्टोरी भी अच्छी है, और इन्होंने जिस तरह से काम किया है वो भी काफ़ी अलग है. सो ओवरऑल तो बहुत ही मज़ा आया. अब एक्टर है, एक्टिंग करते मज़ा तो आएगा ही, अब मैं और क्या जवाब दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा. मज़ा आया, बहुत मज़ा आया. लोकेशंस भी बहुत प्यारी प्यारी थी, लोग भी अच्छे अच्छे थे, हमने खाना भी अच्छा अच्छा खाया. कुछ और पूछिए अब. तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली तो बहुत खुश है, बिकॉज OTT पे मेरा पहला शो है. सो उसी चीज़ को लेकर इतना खुश है, और मैं भी उसी चीज़ को लेकर इतना खुश हूँ. और टीज़र तो अच्छा लगा ही है सबको, और इंटरेस्टिंग लगा है थोड़ा सा, कि क्या होगा वो एक थोड़ी सी फीलिंग आई है जानने की. और जब सबको ये पता चला है कि सब एज ग्रुप के यंग किड्स, एल्डर्स ऑल्सो कैन वॉच दिस शो, तो ये सुन के उनको और अच्छा लगा. सो सब अच्छा ही है, मज़ा आ रहा है, और क्या. My reaction was, so the reason why I said yes to doing this is, the first time when I read, जब मैंने कहानी सुनी, I said, अमृत जो हमारी producer हैं, उनसे मैंने कहा, I can't put this in a box, I don't know which genre this is, because it's so many things in one, and that is something that is very, very interesting. And as an actor, it is something challenging, and you want to do challenging characters, challenging stories, something that is different, jahan aapko kuch aur, you can show a different side to yourself, and you can explore yourself as an actor. So that was something very interesting, and I said, main amrit mein aise, I can't put it into a box. Ye fantasy bhi hai, realistic bhi hai, isme bacche bhi hain, teenagers bhi hain, there's a love story, there's nani involved, there's nani ki kahaniyan, there's adventure, there's drama, there's so much that's there. So I really wanted to be a part of it, and I think that is the most interesting part, that it's so many things in one, and it's a family entertainment. तुरंत हाँ बोल दिया मैंने. हाँ, उन्हें पता चला मैं काम कर रही हूँ उनके साथ. वो थोड़ा सा बाद में पता चला, वो जब पता चला तब फिर मैंने स्क्रिप्ट पे और ध्यान देना शुरू कर दिया. तब तक मैं हाँ कर लेंगे, फिर पता चला अरे